हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज ना चंडीगढ़ का आप मौसम देखिए, 5-6 दिनों से जो बारिश हो रही है ना, और इतना अच्छा सुहाना मौसम यहाँ पे है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एकदम से ठंडा मौसम ना यहाँ पे हो गया है। सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं यहाँ से निकाल रही हूँ अरबी के पत्ते और फिर उसके बनाएंगे पकोड़े। अरबी की दो की वैसे तो कई वैरायटी होती है, और जो ये वाली वैरायटी जो है ना, ये इससे चुप हो जाओ। ये जो ये वाली वैरायटी जो है ना, इसके गले में बिल्कुल भी खराश नहीं होती है। और तो चलिए सबसे पहले अरबी के पत्ते निकाल लेते हैं, फिर अंदर किचन में चलेंगे और फिर बनाएंगे अरबी के पकोड़े। वही रेसिपी मैं आज आपके साथ ना शेयर करूंगी। तो ये रहे अरबी के पत्ते। और ये देखिए, ये वाली जो है, ये वाली वैरायटी से ना गले में खराश नहीं होती है। तो पहले मैं ये निकाल लेती हूँ। ओ, ये देखिए पत्ते मैंने निकाल लिए हैं, और अब इनको पहले अच्छे से धोते हैं और फिर बनाते हैं इसके पकोड़े। और इनको मैं ना यहीं पे पाइप लगा के पहले धो लेती हूँ। फिर पत्तों को तो देखिए मैंने अच्छे से धो लिया है, अब इनको कट करते हैं। और पकोड़े बनाने के बाद ना मैं इन्हीं की ना कढ़ी भी बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए इस तरह से हम पत्तों को पहले काट लेंगे। और पकोड़े में एक प्याज को हम इस तरह से काट लेंगे, इसमें हरी मिर्च भी आप काट सकते हो। और फिर देखिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन, तो बाउल में मैंने इसको डाल दिया है। अब इसमें एक नींबू मैं ऐड कर रही हूँ, और अब मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, बस यही चीज़ें हमें इसमें डालनी है। और अब इसको ना हम अच्छे से इसका एक घोल सा तैयार कर लेंगे। तो इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ना पानी डाल के इसका घोल बना रही हूँ, एकदम से मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। जितना आप इसको फेंटोगे उतने ही आपके पकोड़े ना टेस्टी बनते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करती जा रही हूँ, और इस तरह से हमें इसका ना बना लेना है और फिर पकोड़े जो है तलेंगे। और मेरी ये कढ़ाई पहले से चढ़ी हुई थी, तो फिर मैंने इसी में बना लिया। और ये लोहे की कढ़ाई है, बहुत पुरानी है, आप इसकी शक्ल पर मत जाइएगा, क्योंकि फ्राई इसमें बहुत अच्छे से होता है। तो इस तरह से अब हम पूरे पकोड़े जो है ना वो तल लेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो जल्दी से मिल जाए। और देखिए एकदम से क्रंची पकौड़े हमारे बन के तैयार है। तो इसी तरह से मैं सारे पकौड़े जो है अपने फ्राई कर लूँगी। और अब मेरे को थोड़े से रहे हैं बनाने के लिए। तो उतनी देर में मैंने देखिए एक बाउल में जो है वो दही ली है, इसमें स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसको अब हम अच्छे से फेंटेंगे। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, इसकी फिर हम ना कढ़ी बनाएंगे। पकौड़े देखिए मेरे बिल्कुल बन चुके हैं, एक प्याज भी मैंने काट लिया है और हरी मिर्च।
और यही पकोड़ों से बचा हुआ तेल भी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, उसमें ऐड कर रही हूँ जीरा। और जीरा जब भुन जाए तो इसमें अपने हम प्याज जो है अब ऐड कर लेंगे। और प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भुनूंगी क्योंकि मेरे बेटे को ना ज़्यादा कड़ी में थोड़ा सा कच्चा प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भुनूंगी। और अब ये घोल अपना हम डाल देंगे, बहुत टेस्टी कड़ी बनती है ऐसे, मैं वैसे ही बनाती हूँ। और बस इसको थोड़ी देर हम हिलाते रहेंगे और फिर कड़ी को अच्छे से काढ़ेंगे। और बाद में लास्ट में हमें गैस बंद कर देनी है और इसमें अपने पकौड़े हमें ऐड कर देने हैं। तो देखिए मेरी टेस्टी कड़ी बनके तैयार है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी चावल। और कड़ी आपको ज़्यादा गाढ़ी रखनी है या पतली रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन से पसंद है। मेरे बेटे को गाढ़ी पसंद है। हेलो जी, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। और आज ना 5-6 दिन के बाद बड़ी अच्छी धूप लगी है। ये देखिए, कल मैंने ये मैट धोया था, बारिश में पूरा ये भीग गया था, उसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल के ना ब्रश से इसको अच्छे से धो लिया है। अब इसको डालूंगी ऊपर छत में। और ये देखिए, ये वाला मैट भी मेरा यहाँ पे ना भीग गया था, तो इसको भी, ये भी धुल गया तो इसको भी अभी मैंने वहाँ पर सूखने डाला है, तो ये तो वहीं पर सूख जाएगा। और आज ना बड़ी अच्छी धूप निकली है, सारे कपड़े अच्छे से सुखा लेंगे। तो देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम है आज, ये देखिए। और बाहर का मौसम आप देखिए कितना अच्छा है। और देखिए पपाया अब ये पकने लग गए हैं, और काफ़ी लोगों ने ना इन पपाया को ना पसंद किया, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भेज दो, तो भाई एड्रेस दे दो, मैं तो भेज दूंगी कॉरियर में। और ये देखिए इसमें ना कितने अच्छे जो है ये फूल अब खिल गए हैं। मैं ना उधर जाकर, ये देखिए मैंने ना इसका झाड़ू बनाना था क्योंकि बड़ा अच्छा झाड़ू बनता है, लेकिन लेट हो गई, ये सारे ही फूल गए। और ये है भिंडी, तो सुबह ही मैंने यहाँ से भिंडी निकाल ली है। और ये देखिए इनमें लगी है तोरियां, तो सुबह ही मैंने निकाल ली, छोटी छोटी मैंने ये रख ली थी, और ये थोड़ी सी बड़ी होंगी तब मैं इनको अब निकालूंगी। और ये देखिए कितना प्यारा, ये देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे जो है फूल खिले हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये, और ये देखिए आज आप मौसम देखिए, धूप का फायदा उठाया जाएगा। और ये जो मैट है ये बहुत ज्यादा भारी है, तो देखती हूँ इसको ना अब ऊपर लेके जाऊंगी धूप में, ऊपर अच्छे से इसको आज सूखने डालूंगी क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी अगर आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये सूखेगा नहीं जी। मैट, एक मिनट तो जी, पेड़ में कौवा है। पेड़ में कौवा है? हाँ। आपको दिखा कौवा? हाँ। ओके, वो डंडा उधर पेशा करता है, काका करता है। अच्छा, क्या बात करनी है आपको? बात करो, अब इसको ना आपसे बात करनी थी, तो बताओ क्या बात करनी है आपको। वो यहाँ पर स्नेल आ गए हैं, स्नेल आ गए हैं यहाँ पे। और मैट को मैं ऊपर डाल के आ गई हूँ, और आज की वीडियो का अब मैं करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ एमी के घर। एमी के घर आज है श्राद्ध, और आज पंडित आए हैं, पंडित जी आए हैं इसके घर में और कुछ कहना है क्या? क्या क्या कहना है? तो दसवीं में ऐसी में चोट लगी है आपको? कहाँ लगी है चोट? ये। अच्छा, स्क्रीन में चोट लगी है, फोन में मेरे में चोट लगी है, इसलिए बोल रहे हो? आज हम बंदर और पिद्दू से ताड़ेंगे, पिद्दू से और बाला बंदर। हाँ जी, पिद्दू से बंदर, ठीक है बाद में निकालेंगे। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। और आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तेरे घर में चलूँ? पंडित जी आए हैं बोलता है, चलो अब मेरे घर में।
हाँ चल जा रही हूँ, जा रही हूँ, बाय तो कर दे वहाँ पे सभी दोस्तों।